जाति का एंगल ढूंढने वालों को उन आंकड़ों पर भी नजर डालने की जरूरत है जिसमें हर जाति धर्म के अपराधी शामिल हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 2017 से अब तक पुलिस एनकाउंटर में 207 अपराधी मारे गए, इसमें अलग अलग जाति और धर्म के अपराधी भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो। यूपी की सियासत में जाति के सियासी एनकाउंटर पर बवंडर मचा है। पहले समाजवादी पार्टी तो अब कांग्रेस मंगेश की चौखट पर इंसाफ का सियासी पिटारा लिए खड़ी है और उस एनकाउंटर को फर्जी बता रही है जिसमें सिर्फ मंगेश को गोली मारी गई, बाकियों की गिरफ्तारी हुई। जिस तरह पिछले कुछ दिनों से मंगेश के एनकाउंटर पर विपक्ष हमलावर है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मुख्य आरोपी का सरेंडर कराया गया? मंगेश का एनकाउंटर विपिन कैसे बच गया? सुल्तानपुर में जाति देखकर एनकाउंटर हुआ, ये वो सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से लगातार पूछे जा रहे हैं। अब इस पर डीजीपी प्रशांत कुमार का भी बयान आ चुका है। इस तरह की चीजें पुलिस नहीं करती है और पुलिस के जब गोलियां चलती हैं और जिन लोगों ने इस तरह की चीजें फेस की हैं, जो हमारे पूर्व के अधिकारी रहे हैं या कर्मचारी रहे हैं, उन सबको ये पता है और इस तरह की सारी बातों का मैं खंडन करता हूं और पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती है। सियासत में कब कौन सा मुद्दा जनता की आंखों पर चढ़ जाए, उसमें मंगेश यादव एनकाउंटर भी शामिल है। इस पर यूपी के तमाम सियासतदान अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। किसी को इस एनकाउंटर में जाति दिख रहा है तो किसी को वोट। तभी तो घटना के चार दिन बाद मायावती की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने लिखा है कि सुल्तानपुर में एनकाउंटर की घटना के बाद से बीजेपी और सपा में कानून व्यवस्था को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। अपराध अपराधी और जाति के नाम पर जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है, जबकि इस मामले में ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई जैसे हैं। यानी एक तरफ विपक्ष सरकार की ठोको नीति पर सवाल खड़े कर रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति का हवाला दिया जा रहा है। वैसे ये अत्याचार अन्याय किया गया है, ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार अपनी जो मनमानी कर रही है, गुंडागर्दी हो रही है, जनरल राज कायम है, पुलिस मनमानी कर रही है, अपराधी मनमानी कर रहे हैं और सीधा साधा सज्जन आदमी पिसा जा रहा है। अकेला बेटा था, उसको ले जाके भी इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी। मार जिसकी सरकारों में होता रहा है उसको हमेशा लगता है कि ऐसा हमारी सरकार ने जांच एजेंसियों को, प्रशासन को, जो लोकतंत्र के चार स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, सब अपना काम। इनके समय में जांच एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारे समय में जांच एजेंसियां सजा दिला रही है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। खैर, अपराध में जाति की राजनीति न सिर्फ विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है, बल्कि 7 केस वाले मंगेश का एनकाउंटर और 36 केस वाले विपिन का सरेंडर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश बेनकाब हुई है। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। और सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार रेलवे के सिस्टम के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि 2024 में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार इस तरह की तस्वीरें सामने आई जब या तो ट्रेन किसी हादसे का शिकार हुई या फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश हुई थी। रेल पलटाने की साजिश पर आतंकी कनेक्शन से भी अब इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कानपुर कांड की जांच अब एनआईए कर रही है। रिपोर्ट देखिए। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल बम, रेल रूट पर
नरसंहार की साजिश। कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? ये खबर डराने वाली है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से ट्रैक पर सिलेंडर बरामद हुआ है वो एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कानपुर से बीमारी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को ड्रिल करने की जो योजना थी उस पर कहीं ना कहीं पानी फिरता दिखा। अगर बात की जाए उन लोगों की जिसने इस पर षड्यंत्र किया था, सिलेंडर यहाँ ला के रखा गया था और उसके बाद ये वो स्पॉट है जहाँ पेट्रोल के बॉटल्स मिली थी, वायर मिला था, कनेक्टिविटी मिली थी और उसके बाद से देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम एक एक झाड़ियों को एक एक जगहों को चेक कर रही है, ये देखने का प्रयास कर रही है कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं मौजूद है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉटल्स मिली है और इसके अलावा देखिए क्राइम किट की सामने मौजूद है ये यहाँ, और ऐसे में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। अब पुलिस की टीम जहाँ इसकी जड़ तक जाने का प्रयास कर रही है और इन झाड़ियों में ये देखने का प्रयास कर रही है कि कहीं और कोई चीज़ें तो नहीं छुपा के रखी गई थी। ये देखिए आरपीएफ की पूरी टीम एक एक करके इन झाड़ियों खंगाल रही, क्योंकि जिस प्रकार से ये पूरा एरिया है तो ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो नहीं छुपी हो। इसके अंदेशे के बाद ये देखिए टीम पूरे एक एक करके इसको पूरा क्लोज, मैं अपने कैमरे से क्लोज करो, इसको पूरे झाड़ियों के अंदर तक जाने का प्रयास करें, कोई चीज़ तो नहीं रखी गई है। और इसके बाद से अब पुलिस को एक एक चप्पे चप्पे पर जांच करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक महीने में यह दूसरी घटना कानपुर में ही हुई है और ऐसे में जब तक पुलिस की जड़ तक नहीं पहुंचेगी पुलिस की टीम जांच में जुटी है। अगर ड्राइवर ने सूझबूझ से काम ना लिया होता तो कालिंदी एक्सप्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हो सकती थी, क्योंकि रेल ट्रैक पर जो कुछ बरामद हुआ है वो रेलवे मंत्रालय समेत तमाम जाँच एजेंसियों को डरा रहा है, क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा कांच की एक बोतल भी मिली है जिसमें पेट्रोल भरा था। इस बोतल में पलीते जैसी चीज भी लगी है, साथ ही ट्रैक के पास एक सफेद रंग का बैग भी बरामद हुआ है जिसे देखकर साफ लग रहा है कि ट्रेन हादसे के जरिए कई लोगों को मारने की प्लानिंग की गई थी। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन को डिरेल करने की एक साजिश कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई, क्योंकि जिस प्रकार से इसको डिरेल करना चाह रहे थे सिलेंडर का के उसके बाद से एटीएस ने पूरा डेरा डाला। आप देख सकते हैं एटीएस के ऑफिसर्स इस टाइम यहाँ खड़े हैं, इसकी बारीकियों को समझ रहे हैं, इसमें कौन लोग थे क्या थे, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों में इनकी तीन सदस्यीय एक टीम यहाँ है, एक टीम को आगे रवाना कर दिया गया और ये टीम यहाँ से बारीकियाँ से को समझ रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं इस ट्रैक के आसपास की देखा जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें। पुलिस पीएसी आरपीएफ जीआरपी यहां से लेकर कन्नौज तक के ट्रैक को अब खंगाल रही है, जहां एक और इसकी बारीकियों को देखा जा रहा है, क्योंकि एटीएस की जो पांच सदस्यीय टीम इस वक्त यहां मौजूद है वो ये भी देखने का प्रयास कर रही है और जानना चाह रही है कि आखिर इस क्षेत्र में आसपास आबादी तो नहीं है, और एक टीम जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं आसपास के गाँव में कैंप कर रही है। 2024 में ये पहली बार नहीं है जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। सबसे पहले 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में मुरी एक्सप्रेस को यूपी के कौशाम्बी में डीरेल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान पटरियों पर पत्थर मिले थे। 29 जनवरी को मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच मांडा रोड पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ था, लेकिन मालगाड़ी से टकराकर उस ढक्कन के दो टुकड़े हो गए थे। 1 मई 2024 को रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर बरामद हुआ था। उस दौरान नैनीदून एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी, क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में फंस गया था। 1 अगस्त 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पत्थर और सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी, तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश हुई थी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 24 अगस्त को भी ठीक उसी जगह सीमेंट के दो ब्लॉक बरामद हुए थे। और अब कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई है उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है, सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हम लगाएंगे। यही वजह है
कि वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर रेल मंत्री से बड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा है, रेलगाड़ियों को बेपटरी करने की कोशिशों की खबरें चिंता का विषय है। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन कोशिशों के पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ने के लिए राज्यों की पुलिस और देश की सर्वोच्च जांच एजेंसियों की मदद लें। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की प्राथमिकता होनी चाहिए। जाहिर है अब जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उन देश द्रोहियों का पता लगाया जाए जो रेल हादसों के जरिए न सिर्फ देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, बल्कि देश की जनता को अपने नापाक इरादों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे गुजरात की, जहां के सूरत में गणपति पंडाल पर पथराव के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो वहीं पत्थरबाजी के आरोपियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया गया। वहीं पत्थरबाजी पर कई सवाल भी खड़े हो रहे कि आखिर आस्था के पथ पर पथराव का सूत्रधार कौन है, कौन नफरत की आग लगाना चाहता है। ये रिपोर्ट देखिए। गणेश पंडाल पर पत्थर बंद, पंडाल पर पथराव, लोगों में आक्रोश। आस्था के पथ पर पथराव का सूत्रधार कौन? कौन लगाना चाहता है नफरत किया? गुजरात के सूरत शहर में अचानक वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। गणेश पंडाल पर नफरत वाले पत्थर चलाए गए। आस्था के पथ को ध्वस्त करने की कोशिश की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि हजारों लोगों की भीड़ आक्रोशित हुई और फिर शुरू हुआ सड़क पर संग्राम। गुजरात का आर्थिक पाटनगर सूरत, और सूरत में जिस तरह से भगवान गणेश की स्थापना के बाद रंगे चंगे ये पूरा उत्सव लोग मना रहे थे, गणेश पंडाल पे छोटे बच्चों द्वारा पत्थर मारने की एक घटना बनी है, जिसके चलते पूरा मामला सामने आया था। खास करके मुस्लिम लड़के छोटे लड़कों के द्वारा पत्थर मारने के बाद ये पूरा मामला बिगड़ा था, जिसके चलते हिंदू और मुस्लिम के टोले रस्ते पे आ गए थे, और जिस तरह से ये लोग रस्ते पर आए थे उसके बाद गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई थी, गाड़ियों में आग चंपी लगाई गई थी। मामले की जानकारी मिलते ही सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत और उसकी टीम पहुंची। जनमानस की आस्था को चोट हुई तो लोगों का गुस्सा ऐसे उबल पड़ा कि लोगों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेना शुरू कर दिया। आलम यह हो गया कि गुस्साए भीड़ और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई। सैयदपुरा पुलिस चौकी को घेर लिया गया, कई वाहनों को तोड़ फोड़ दिया गया। बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और गुस्साई भीड़ पर लाठियां भांज दी, जबकि कई लोगों को पथराव और भीड़ को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। रात को एक घटना बनी थी जिसमें गणेश पंडाल के ऊपर जो है कुछ जो है छोटी उम्र के लड़कों ने पत्थर मारा था। जो पुलिस बंदोबस्त में थी उन बच्चों को वहाँ से तुरंत लाया गया जो है। उसके बाद जो लोगों की रजवाद करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, उस समय दरमियान जो है मामला बिचका जो है और आमने सामने से पत्थर मारा चालू हुआ, जिसमें पुलिस के अधिकारी जवानों को भी इंजरी हुई। उसके बाद पुलिस ने जो बल प्रयोग करना था टियर गैस छोड़ना था, लाठीचार्ज किया गया और अभी पूरे एरिया में जो अलग अलग जगह से टीमें बुला के डिप्लॉय किया गया और हमारी कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू है जो है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा है।
सूरत में सिस्टम को हिला देने वाली ये तस्वीरें सामने आई तो राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी को भी एक्शन मोड में आना पड़ा। वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उसी जगह गणेश जी की आरती में शामिल हुए जहां से सूरत के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसके अलावा खुद हर्ष सांघवी ने इस मामले में हुई कार्रवाई का जिक्र किया। गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे, ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आगजनी, भगदड़ और पत्थरबाजी के बीच पुलिस प्रशासन को भीड़ को काबू में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। फिलहाल किसी भी अनहोनी से बचने के लिए पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और सीसीटीवी के जरिए नफरत के उन सौदागरों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने सूरत को हिंसा की आग में झुलसाने की साजिश रची है। क्या वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बार फिर से सीएए और एनआरसी जैसे विरोध प्रदर्शनों की साजिश रची जा रही है? क्या वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम इलाकों को शाहीन बाग बनाने की तैयारी हो रही है? ये सवाल बीजेपी पूछ रही है क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो वायरल हैं जिसमें मुस्लिम इलाकों में लोगों से वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने की अपील की जा रही है। बकायदा कुछ इलाकों में मुनादी करवाई जा रही है और बिल को लेकर दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि अगर ये बिल वापस हो गया तो उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसे छीन लिए जाएंगे, कब्रिस्तान भी छीन लिए जाएंगे। उसको लेकर किस तरह लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप ये वीडियो देखिए। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छीन जाएंगी, मदारिस छीन जाएंगे, कब्रिस्तान छीन जाएंगे। मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल 2024 लाई तो इसलिए कि देश भर में वक्फ बोर्डों की ट्रांसपेरेंसी और जिम्मेदारी तय की जा सके, लेकिन इसके खिलाफ दुष्प्रचार गैंग किस तरह एक्टिव हो गया है उसकी तस्वीरें देखिए। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे। कई मुस्लिम इलाकों में इसी तरह मुसलमानों को भ्रमित करने और वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों को गुमराह करने के लिए मुनादी की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने इस बिल को लेकर आवाज नहीं उठाई तो उनसे उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, मदरसों और कब्रिस्तान से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा, इसलिए वो इस बिल का विरोध करें। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर उसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश है जैसा सीएए। और चलिए फिलहाल इसी के साथ न्यूज 18 प्राइम में खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।